हाय फ्रेंड। तो आज मैं इस सर्दियों का दूसरा वाला लड्डू जिसका नाम है गुड़ तिल लड्डू, वो मैं बनाने जा रही हूँ। और हाँ, इसमें मूंगफली भी पड़ेगा। अगर आपको नहीं माने तो आप मूंगफली नहीं डालिएगा, लेकिन मैं गुड़ तिल मूंगफली तीनों को मिक्स करके लड्डू बनाऊंगी और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इस सर्दियों में हमारे ज्वाइंट ज्वाइंट में दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो इसके लिए देखिए, मैंने 200 ग्राम तिल लिया है और 200 ग्राम गुड़ है और ये भी है, 150 ग्राम मूंगफली है और साथ में मैंने घी भी लिया है 2 चम्मच और थोड़ी सी पानी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस पे पैन चढ़ाएंगे, इसमें मूंगफली को डालेंगे और इसे भूनेंगे। हम लोग अच्छे से इसे भूनेंगे, इसका छिलका निकल जाएगा। और देखिए मूंगफली भी भून गया है। इसे अब हम लोग एक थाली में निकाल लेंगे और अब हम लोग उसी पैन को साफ करके इसमें हम लोग तिल को डालेंगे और अब तिल को भूनना है। एकदम गैस का फ्लेम लो पे ही रखिएगा, हाई पे नहीं रखिएगा, मीडियम और लो के बीच में रखिएगा। तो देखिए तिल को भी मैंने भून लिया है और अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और मूंगफली के भी मैंने छिलके उतार लिए हैं और इन दोनों को एक साथ मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। तो देखिए मूंगफली और तिल को मैंने एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है, तो मिक्स कर लिया है मैंने दोनों को। और अब हम लोग गुड़ का पाक का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैन चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और गुड़ डाल देंगे। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई पे नहीं रखना है, और कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो जल जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे, बस इतना ही डालना है कि ये गीला हो जाए गुड़। तो देखिए अब हमारा पाक बहुत अच्छा से तैयार हो गया है। थोड़ा सा और होगा, इसके बाद हम लोग तिल और मूंगफली का जो पाउडर बनाए हैं इसमें मिक्स कर देंगे और ठंडा करके जल्दी जल्दी लड्डू बनाएंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी बनाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो घर में एक दो लोगों से मदद ले लीजिएगा ताकि फटाफट बन जाए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा बनाने में। और गैस का फ्लेम बंद कीजिए और इसमें जो तिल और मूंगफली का मैंने पाउडर बनाया है इसको अब हम लोग मिक्स कर देंगे। ठंडा हो जाए तब इसे हम लोग लड्डू का शेप देंगे। और देखिए कितने अच्छे बने हैं ना तिल मूंगफली लड्डू। और हाँ, आप लोग भी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में बाहर से कुछ नहीं खाना है और घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।